नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इस मॉडल पेपर का हम लोग जो है खंड ब का जो है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम बहुविकल्पीय और खंड ब का जो है पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा चुके हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या जो है आई बटन में इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं खंड ब का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं खंड ब का क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें खंड दिया हुआ है, क ख ग घ अंग च तक दिया हुआ है, यानी कि इसमें 6 सवाल दिए गए हैं और इनमें से 5 ही सवाल आप लोगों को हल करने हैं। जो अच्छे से हल मैंने आता होगा उसी को हल कीजिएगा, ठीक है ना। एक सवाल इसमें से छोड़ देना है। और यह कितने नंबर में पूछा जाएगा, तो ये 4 नंबर में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग जो है सवाल नंबर क को देखते हैं। दूसरे का करा ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग सबसे पहले यह देखने के लिए कि संगत है कि नहीं, तो इसको जो है a1 / a2, b1 / b2 और c1 / c2 करके देखेंगे। और इसमें जो है यदि कोई हल प्राप्त होगा, हल प्राप्त होने का मतलब a1 / a2 और b1 / b2 और c1 / c2 करने पर जो 3 कंडीशन है उसमें से 2 कंडीशन अगर प्राप्त होता है तो संगत होगा। वह कंडीशन जिसमें कोई हल नहीं होता है तो वह असंगत होता है। तो अगर वह कंडीशन प्राप्त होगा तो असंगत होगा। तो चलिए इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क और हल करेंगे। तो हम लिखेंगे कि हमें दिया गया है, लिखिएगा, हमें दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है कि 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। अब इसको हम लोग को देखना है कि यह संगत है कि नहीं है। अगर संगत है का मतलब कि कोई ना कोई जरूर हल निकलना चाहिए। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ इसमें से हम लोग a1 और a2 निकालेंगे। तो देखिए इसमें ये जो है पहला समीकरण है, तो इसमें a1 इसको कहेंगे, b1 इसको कहेंगे और c1 इसका मान होगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें a1 इसका मान होगा, a2 और b2 इसका मान होगा और c2 इसका मान होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ a1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, a1 = 2 हो जाएगा और a2 बराबर अगर देखें तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे देखें b1, तो b1 बराबर हमारा हो जाएगा, b1 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस वाई है, इसका मतलब कि b1 1 है, ठीक है ना, तभी तो प्लस में वाई केवल दिखा रहा है। और b2, तो b2 का मान जो है क्या होगा, तो -2 होगा, b2 का मान -2 होगा। c1 बराबर देखा जाए तो c1 का मान जो है क्या है, -6 है। और c2 का मान देखा जाए तो c2 का मान जो है क्या है, -4 है, ठीक है। अब आप लोगों को जो है ये वाला कंडीशन लागू करना है कि a1 / a2 क्या होगा, बराबर b1 / b2 बराबर c1 / c2 करके देखना पड़ेगा। इसमें 3 कंडीशन होता है। अगर पहले ही जो है बराबर नहीं होता है तो इसके एक हल होते हैं और ये भी संगत होता है। और यदि तीनों बराबर हैं तो भी संगत हल प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये तीसरा नंबर पे ये अगर बराबर नहीं होता है, b1 / b2 बराबर नहीं है c1 / c2 के, तो इसके कोई हल नहीं होता है, यह असंगत होता है, संगत नहीं होता है। तो देखते हैं हम लोग को जो है कौन सा कंडीशन प्राप्त होता है। तो इसमें हम लोग जो है a1 / a2 करते हैं, तो a1 / अगर a2 करें तो 2/4 होगा, ठीक है। और b1 / b2 करें तो b1 का मान 1 है और b2 का मान -2 है, ठीक है। अब इसको जो अगर सरल करें और c1 / c2 भी कर लेते हैं, तो c1 / c2 करते हैं तो -6 और बटे में जो क्या हो जाएगा, -4। अब यहाँ पे देखते हैं सरल करके, तो इसको ख़त्म कर दीजिए, 2 3 6 और 2 2 4, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो 2 1 2 और 2 2 4, तो हमको देखिए पहले ही जो है ये बराबर नहीं दिख रहा है, यानी कि 1/2 बराबर
एक बटे माइनस में दो, ये बराबर नहीं है। ये क्या है? बराबर नहीं है क्योंकि यह एक बटे दो प्लस में है, यह जो है एक बटे दो माइनस में है, तो ये बराबर नहीं है। तो जब पहले ही बराबर नहीं है तो यह जो है क्या होगा? संगत होगा। तो यह जो है क्या होगा? तो यह क्या होगा? संगत होगा। यह जो है संगत होगा और इसके एक हल होंगे। इसके जो है क्या होंगे? एक हल होंगे। जब पहले ही जो है बराबर नहीं होता है, यानी कि ए वन अपान ए टू बराबर नहीं है बी वन अपान बी टू के, तो यह जो है क्या होगा? संगत हल होगा। और जब संगत होगा तो हम लोग जो है अब इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे। अब ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, हम लोग सबसे पहले समीकरण एक लेंगे। तो समीकरण एक से हम लोग डाटा बनाएंगे। तो समीकरण एक हमारा क्या है? 2x प्लस में y माइनस 6 बराबर 0 है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग जो है एक समीकरण बनाएंगे y के रूप में। तो हम लोग जो इसको पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे जो है प्लस में 6 हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा। अब बराबर के इधर क्या बचेगा? केवल y बचेगा। तो y बराबर हमारा समीकरण बन जाएगा 6 माइनस 2x। यही हमारा जो है क्या बनेगा? समीकरण। और इस समीकरण में हम लोग क्रमशः मान रखते जाएंगे। एक ऐसे जो है हम लोग ये प्राप्त कर लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, इस टेबल में हम लोग जो है क्या करेंगे, एक्स और एक्स का मान क्रमशः देखिए, इसमें एक्स का मान चेंज करेंगे ऑटोमेटिक वाई का मान चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स लिखेंगे, यहाँ पे वाई लिखेंगे। एक्स का मान सपोज दैट हमने जो है क्या ले लिया, एक्स का मान 0 ले लेते हैं। तो एक्स का मान अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो वाई का मान कितना हो जाएगा? 6। तो वाई का मान हो जाएगा 6। ठीक है, और एक्स बराबर हम लोग 2 ले लेते हैं। एक्स बराबर 2, तो 2 दूना 4, तो 6 में से जो है 4 घट जाएगा। माने एक्स के जगह पे 2 भरेंगे तो 2 का 2 में गुणा होगा ना, तो 2 दूना 4, तो 6 में से जो है 4 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा? 2। एक और जो है बिंदु प्राप्त कर लेते हैं और इसमें जो है देखिए, मान लीजिए 3 भर दीजिए, तो 3 भरेंगे तो 3 दूना 6, 6 में 6 जा 0, तो वाई का मान कितना हो जाएगा? 0। तो इससे एक ग्राफ प्राप्त कर लेंगे। और इसी प्रकार हम लोग समीकरण दो से हम लोग जो है समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा ग्राफ बना लेते हैं। तो समीकरण दो क्या कहता है कि 4x माइनस में 2y माइनस में 4 बराबर 0 है। तो अगर इससे हम लोग y के फॉर्म में समीकरण प्राप्त करें तो माइनस में 2y बराबर के इधर कितना हो जाएगा? ये माइनस में 4x हो जाएगा और ये इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो इस माइनस को ख़त्म करना है ना, तो पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर दें, तो ये जो है 2y हो जाएगा। इधर जो है गुणा होगा प्लस माइनस, भाई माइनस से गुणा कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम लोग y बराबर लिख सकते हैं 4x माइनस में 4/2 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग जो है इससे जो है एक टेबल बनाते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इससे हम लोग जो है 3 बिंदु प्राप्त कर लेंगे। अब जो है क्या हो जाएगा, यक्स का मान बदलते जाएंगे, वाई का मान निकलता जाएगा। तो यक्स यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे वाई। अब देखिए, यक्स का मान अगर हम लोग इसमें 0 रखते हैं तो माइनस में जो है 4/2 होगा, 2 दूना 4, माइनस में ये 2 हो जाएगा। तो यक्स का मान 0, तो माइनस में हो जाएगा 2। वाई का मान जैसे देखिए, यक्स का मान 0 रखेंगे तो ये 4 गुणे 0 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस में 4/2, 2 से काट देंगे 2 दूना 4, माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यक्स का मान अगर 1 ले लेते हैं, यक्स का मान 1, तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 में से 4 जा 0, 2 से 0 में भाग देंगे तो 0। ठीक है, और फिर अब हम लोग जो है कि क्या ले लेते हैं, मान 2 ले लीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 4 जा 4, 4 4 4 4 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, कितना बचेगा? 2। तो देखिए, दोनों में ये 2
मिल रहा है, यानी कि समीकरण का एक हल होगा और x और y का मान जो है क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मूल इसके बराबर होंगे। तो अब इससे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ पेपर तो हमारे पास है नहीं, हम आप लोगों को बना के दिखा देते हैं और आप लोग ग्राफ पेपर पे बना के प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, हमको जो है समीकरण जो है कितना दिया गया है, तो देखिए हम लोगों को लगभग इस पे हम लोग जो है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, इस पे हम लोग जो है क्रमशः खाना बना लेते हैं। ये वो खाना 1 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर हो गया, 1, ये 2, ये 3, ये 4, बराबर दूरी पे ले लेना है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, और फिर इधर से भी हम लोग ए बराबर दूरी पर ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये वाई वाला हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, लगभग लगभग हम लोग को 2 3 से काम 6 तक जो है चाहिए। ठीक है, इधर भी ले लेते हैं 5, इधर भी ले लेते हैं 6। ठीक है, ये जो है आप लोगों को पता होगा कि ये मूल बिंदु होता है, इसका निर्देशांक 0 0 होता है, यही मूल बिंदु है, और ये वाई अक्ष होता है या एक्स अक्ष होता है। अब हम लोग अगर पहले समीकरण से अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो 0 6 देखेंगे, एक्स पे 0 आ जाएंगे और वाई पे 6 आ जाएंगे, तो वाई पे 6 यहाँ पे जो है ये बिंदु एक मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, अब 2 2, तो यानी कि एक्स पे 2 देखेंगे, वाई पे भी 2 देखेंगे, अगर इसको एकदम सीधा सीधा मिलाएं तो यहाँ पे कटेगा, मतलब इधर से सीधा और इधर से सीधा मिलाएंगे तो यहाँ पे कटेगा, तो एक बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब 3 0, एक्स अक्ष पे 3 जाएंगे और वाई अक्ष पे जो है 0 जाएंगे, तो एक्स अक्ष पे जो है बिंदु क्या हो जाएगा, यही होगा, एक्स अक्ष पे जो है बिंदु क्या होगा, यही पे होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे 3 जाना है, वाई अक्ष पे 0 जाना है, तो वाई अक्ष पे यही 0 हो जाएगा ना, 0 यहीं पे हो जाएगा। तो सब मिला के जब हम लोगों को बिंदु एगो प्राप्त, एगो रेखा प्राप्त हो गया, कैसे ऐसे रेखा प्राप्त हो गया, अगर इसको हम लोग मिलाते हैं तो एकदम जो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, इन तीनों को अगर मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई। ठीक है, और फिर हम लोग जो है इससे एक जो है इससे जो है समीकरण बनाएंगे। तो देखिए एक्स अक्ष पे 0 है और वाई अक्ष पे -2 है, तो वाई अक्ष पे जो है -2 जाएंगे तो ये जो है इधर आएगा। ठीक है, -2, तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा। ठीक है, तो -2 जाते हैं, तो देखिए एक्स अक्ष पे 0, एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, अब जो है 1 और 0, तो एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे 0, तो यहीं पे रहेगा, ये यहीं पे रहेगा। अब देखिए 2 और 2, यानी कि एक्स अक्ष पे 2, एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 2 यहाँ पे रहेगा, या अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब देखिए ये वाला जो हम लोग ग्राफ बनाए हैं, ये वाला ग्राफ ये किसका है, तो इसका है, किस समीकरण का, वाई बराबर 6 - 2x का, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये जो है 6 - 2x है वाई बराबर। ठीक है, इसका है। अब दूसरा ग्राफ बन जाएगा आपका इससे, अब इसको जो है मिला दीजिए एकदम। ठीक है, तो इसको जो है मिलाएंगे तो ये जो है ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे देखिए, यह जो है दोनों का जो है हल जो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, 2 और 2, एक्स और वाई का मान 2 होगा। ठीक है, यहीं पे एक हल इसका प्राप्त होगा मात्र। ठीक है ना, तो जहाँ पे दोनों क्रॉस कर रही हैं तो एक हल प्राप्त होगा और यह जो है एक्स और वाई का मान 2 और 2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, आपको वहाँ पे ग्राफ पेपर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आई ये वाला सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद से हम लोग जो है प्रश्नोत्तर नंबर 2 के ख देखते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग सवाल नंबर 2 का जो है ख का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। ख कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है, कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, 2 संख्याएं मान लेते हैं, एक्स है एगो वाई है, जिसमें छोटी संख्या को एक्स मान लीजिए, बड़ी संख्या को वाई मान लीजिए, चाहे छोटी संख्या को वाई मान लीजिए, बड़ी संख्या को एक्स मान लीजिए, जो आपकी मर्जी हो, कोई भी मान सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें जो है प्रश्नोत्तर नंबर
दो का जो है ख को सॉल्व करना है। देखिए हमसे जो है क्या हमें जो है कहा जा रहा है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। हम लोग मान लेते हैं, माना छोटी संख्या क्या है, यक्स है, तथा बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या वाई है। ठीक है, बड़ी संख्या लिख दीजिएगा, छोटी संख्या यक्स है, बड़ी संख्या वाई है। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें यह कहा जा रहा है कि जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग यानी कि अगर हम लोग छोटी संख्या का वर्ग करते हैं, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या के 8 गुने के, यही है। इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है, अब जो है कह रहा है दूसरा कंडीशन है कि जो है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, और चूंकि इनके वर्गों का अंतर, चूंकि इनके वर्गों का अंतर, तो देखिए कभी भी अंतर जो है 180 दे रहा है, तो बड़ी संख्या के वर्ग का अंतर में से जो है बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग हटाएंगे, वही अंतर हमारा 180, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कह रहा है कि इनके जो है वर्गों का अंतर, तो यानी कि वाई का जो है वर्ग पहले लिखेंगे और यक्स का वर्ग बाद में लिखेंगे, और इनका अंतर करेंगे तब जो है यह बराबर लिखेंगे 180। ठीक है ना, कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे वही अंतर होगा 180 के, बने वर्ग वर्ग संख्या घटाएंगे तो। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग जो है चाहें तो इस समीकरण को आराम से हल करते हैं। ठीक है ना, अब समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, इसी को हम लोग हल करते हैं, हल करने पर, तो इस समीकरण को अगर हम लोग हल करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y का वर्ग माइनस में, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 8y है, तो x स्क्वायर के जगह पे हम लोग 8y लिख सकते हैं। ठीक है, आप बराबर में 180 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है दिखा दीजिएगा कि x स्क्वायर है किसके बराबर, तो 8y के। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे भरा है। ठीक है, अब हम लोग जो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस में 8y, और इसको भी इधर लाते हैं तो माइनस में जो 180 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो है गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके हल करेंगे तो y का मान निकलेगा। तो अब देखिए हम लोगों को जो है 180 को ऐसे जोड़ा बनाना है ताकि गुणा करें तो 180 हो जाए, आ जोड़ घटाना करें तो जो है आराम से माइनस में 8 हो जाए। तो ऐसा जो है कैसे होगा, तो जैसे देखिए 10 ले लिया जाए, 18 दहाँ पर 180, 18 ले लिया जाए और 10 ले लिया जाए, 18 ले लिया जाए 10 ले लिया जाए, तो 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब माइनस में आने के लिए जो है माइनस में इसको ले लेते हैं, प्लस में इसको ले लेते हैं, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस में 180 हो जाएगा, मैंने 18 × 10, तो 18 × 180 माइनस में हो जाएगा। आ माइनस 18 में प्लस 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा ना, यानी कि हम लोगों का जो है जो गुणनखंड होगा माने मध्य पद को बांटेंगे, तो मध्य पद को बांटेंगे तो ये होगा मध्य इसके जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाई का स्क्वायर और प्लस में 10 ले लेते हैं, पहले 10y प्लस में 10y ले लेते हैं और माइनस में 18y ले लेते हैं, माइनस में 18y माने 8y को हम लोग लिख सकते हैं, 10y माइनस में 18y लिख सकते हैं, और माइनस में यहाँ पे 180 है तो 180 रहेगा बराबर 0 लिखेंगे। ओके, अब जो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें हम लोग जो है वाई कामन ले सकते हैं, तो वाई यहाँ पे कामन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई प्लस में जो है y कामन लेने के बाद से y अब प्लस में 10 हो जाएगा, होगा y कामन ले लेंगे तो, और फिर यहाँ पे देखिए 18 कामन निकल सकता है,
तो 18 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे भी जो वाई देखिए देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस में आएगा क्या, 18 यहाँ पे 180 यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, इसमें से कोई एक ले लेते हैं, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं y माइनस 18 एक ब्रैकेट में, आ इसको लिख सकते हैं y प्लस 10 एक ब्रैकेट में, अब बराबर लिख देंगे 0, ऐसा होता है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब यह निकला कि y माइनस 18 बराबर 0 हो सकता है या y प्लस 10 बराबर 0 हो सकता है, लिख लेंगे यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से y का मान निकाल देते हैं, तो y बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पे देखें तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 10, तो यह जो है माइनस में 10 संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है यह जो है वर्ग संख्या, किसी भी चीज़ का वर्ग संख्या, यहाँ पे देखिए यक्स का वर्ग 8y है, तो 8y, वाई का मान अगर माइनस में रखें तो यक्स स्क्वायर का मान कभी भी माइनस में आ नहीं सकता है, तो इसलिए यह अमान्य है, यह मान जो है क्या है, अमान्य है, अमान्य है यह मान। तो हम लोग y का मान कितना मानेंगे, 18, ठीक है, y का मान कितना मानेंगे, 18। अब इसी से जो है हम लोग अतः यहाँ पे लिख लेंगे कि y बराबर क्या है, 18 है, अतः y बराबर क्या होगा, 18। अब इस मान को किस में रख दीजिए, समीकरण एक में रख दीजिए, इस मान को समीकरण एक में रखने पर यहाँ समीकरण लिख दीजिएगा, ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, तो इसको समीकरण एक में रख देते हैं हम लोग, तो समीकरण एक हम लोग का यही है ना, देखिए ना यक्स स्क्वायर बराबर 8y, तो यही समीकरण है, तो यहाँ पे हम लोग जो है समीकरण एक में रखेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर है 8y, वाई के जगह पे क्या आप रख देना है, 18, वाई के जगह पे आप क्या रख देंगे, 18। अब यक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 18/144, 18/144, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 144, अंडर रूट में 144, आइए अंडर रूट में अगर 144 है तो 12 में हम 144 होता है, यानी कि लिख सकते हैं 12 × 12, तो अगर इसका जोड़ा लगता है तो 12 बाहर हो जाएगा, यानी कि यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। अतः अब हम लोग लिख सकते हैं कि माना छोटी संख्या हम लोगों ने यक्स माना था, बड़ी संख्या वाई माना था, तो अतः हम लोग लिख देंगे कि छोटी संख्या कितनी है, 12, बड़ी संख्या कितनी है, 18, तो अतः हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, अतः छोटी संख्या बराबर है 12 के और बड़ी संख्या बराबर होगा किसके, तो 19 के, 18 के, सॉरी 18 है ना, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 18, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 12, यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद से दोस्तों एक सवाल और देख लेते हैं, क्योंकि अब समय का अभाव है, तो एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद से हम लोग ग देखेंगे, ये जो है तीन सवाल आज बता रहे हैं, बाकी के तीन सवाल कल बताएंगे। तो ग देखिए, 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। तो लंबाई नाप देंगे, स्केल से ही नाप देंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग स्पर्श रेखा की रचना करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग को जो है दो त्रिज्याएं दी गई हैं, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, माना कि R1 कितना है, 4 सेंटीमीटर, R2 कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, दो त्रिज्या हम लोग को दी गई है, कह रहा है कि एक संकेंद्रीय वृत्त है, ये दोनों जो है क्या एक सकेंद्रीय है, सकेंद्रीय का मतलब कि ये दोनों एक ही जो है केंद्र पर स्थित हैं, ठीक है। तो सौ पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेते हैं, तो 4 सेंटीमीटर का कैसे नापेंगे, तो हम लोग प्रकार को देखिए, यहाँ पे आप लोग को वीडियो में जो है अंटनडम दिख रहा है,
चार से कुछ इधर उधर दिख रहा है, लेकिन हम चार पे रखे हुए हैं पॉइंट को, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के वजह से ये वीडियो में दिख रहा है, तो चार पे आप लोग इस पॉइंट को रखिएगा, प्रकार के इस पॉइंट को, इस पॉइंट को देख रहे हैं ना, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आप लोग चार पे रखिएगा, ठीक है, नापना है तो। और चार से जो है आप लोग जीरो पर जो है पहुँचिएगा, ठीक है ना, चार से आप लोग जीरो पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। चार से आप जीरो पे माप ले लीजिए, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का। वीडियो में आप लोगों को ठीक से नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन चार और जीरो नाप ले लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे आप लोग नाप ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इस पे एक 4 सेंटीमीटर का रेखा इसी नाप से खींचते हैं, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर का रेखा इसी नाप से खींचते हैं। इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर आप लोगों का ये रेखा इधर उधर हो गया तो फिर जो है आपका जो है सवाल भी गलत हो सकता है। तो हम जो है इसको जो है 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, ध्यान से खींचिएगा, देखिए गड़बड़ हो जा रहा है, मोबाइल ऊपर है जिसके वजह से टच कर जा रहा है, ठीक है, ये जो है चार सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया, ठीक है, त्रिज्या। 4 सेंटीमीटर का वृत्त कहने का मतलब कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त खींच दिया। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके हम लोग वृत्त खींचेंगे इसी केंद्र पे, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का नाप ले लीजिए आप स्केल की सहायता से, तो 6 सेंटीमीटर का नाप यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे को रख दीजिए, एक पॉइंट जो है 6 सेंटीमीटर पे रखिए और एक पॉइंट जो है जीरो पे रख लीजिए, ठीक है। मैंने आप लोग जो है बढ़िया से रख के जो है इसको नापिएगा, ठीक है ना। वीडियो में अनटंडम दिख रहा है लेकिन हमने सही नापा है, ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे ही नापिएगा, ठीक है। 6 पे रखिएगा बिल्कुल, ये बड़ी वाली लाइन जो दिख रही है इस पे रखिएगा और 0 पे ऐसे रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रकार की सहायता से खींच लेते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा इधर करके खींचते हैं ताकि जो है वीडियो अच्छे से खींचा जाए, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिल जा रहा है, ठीक है, ये आपका जो है हो गया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का ये जो है आपका वृत्त बन गया, ठीक है। अब हम लोगों को जो है इससे इस पर कोई बिंदु लेके, 6 सेंटीमीटर का जो वृत्त है ना, तो ये 6 सेंटीमीटर का वृत्त है, इस पर कोई बिंदु लेके इस पर जो है स्पर्श रेखा खींचना है 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त वहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम जो है इसको मिला लेते हैं, किसको, इस लाइन को मिलाते हैं, यार 1 मिनट, इसको जो है मान लेते हैं, देखिए ये आपका सेंटर लाइन हो गया, ये सेंटर लाइन हो गया, देखिए 4 और 6 का जो है बराबर है कि नहीं है, ठीक है, एकदम बराबर है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, अब इस पे हम लोग को स्पर्श रेखा की रचना करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है क्या करेंगे, ये जो वृत्त का केंद्र है इससे जो है इस पे एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया, इसको जो है हम लोग पी बिंदु कहेंगे, इसी बिंदुआ से जो है इसी बिंदुआ से इस पे स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यही करेंगे कि जो है ओ है, देखिए ओ और पी को मिला दिया हमने, ओ और पी को जो है, ओ जो वृत्त का केंद्र है यहाँ से इसको जो है हमने पी से मिला दिया। अब क्या करेंगे, इसका लंबार्धक कर देंगे, इसको बराबर और भाग में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, तो हम लोग आधा से अधिक का दूरी ले लेते हैं, इसका ये 6 सेंटीमीटर का दूरी था ना, तो आधा से अधिक दूरी ले लीजिए, थोड़ा सा और कम कर लीजिए, ठीक है, आधा से अधिक दूरी हो गया ये, ठीक है, प्रकार को एडजस्ट कीजिए कि आधा से अधिक दूरी रहे। और इसी प्रकरवा से एक एक चाप इधर लगा दीजिए, ठीक है, इसी से एक चाप इधर लगा दीजिए और एक चाप जो है इधर लगा दीजिए, लगा दिए, ठीक है, एक चाप इधर लग गया। अब हम लोग इसी दूरी से एक चाप इधर से लगा देंगे, मैंने इसी दूरी से ऐसे ही चाप रख, मैंने चापों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और एक बार इधर से काट देंगे, एक बार देखिए यहाँ पे कट गया, एक बार इधर से काट देंगे, ठीक है, काट दिया। अब जहाँ पे ये इसका कटान बिंदु है ना, ये देखिए यहाँ पे ये कटान बिंदु है और इसका ये कटान बिंदु है, देख पा रहे होंगे ये कटान बिंदु इसका यहाँ पे है, एक और एक कटान बिंदु यहाँ पे है, ये जहाँ पे काट रहा है आपका चाप, वृत्त पे नहीं, ये जो चाप जो खींचे हम लोग वो जो काटा है,
इसको मिला देंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको मिला देंगे, सावधानी पूर्वक मिलाइएगा ठीक है। इससे हम लोग जो है मिला देंगे, सावधानी पूर्वक मिलाएंगे, बहुत हल्का डार्क लाइन से मिला दीजिए ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमको एक बिंदु मिल गया, ये हमको जो है बिंदु समझ लीजिए यम मिल गया, क्या मिल गया यम बिंदु ठीक है। अब यही जो है इसको और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ठीक है, ये इसको और बढ़ा देंगे तो जहाँ से ये जो है कट करेगा ना ठीक है। अब जो है हम लोग जो है इसको जो है अर्धक करने से फायदा क्या हुआ, इसको अर्धक करने से फायदा हुआ कि एक हमको जो है त्रिज्या मिल गया, इसका और इसका त्रिज्या लेके मैंने इससे और इससे जो है दूरी मेंटेन करके प्रकार से एक वृत्त खींचेंगे, वो वृत्तवा इस वृत्तवा को जहाँ जहाँ काटेगा वही स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, पी से जो है नाप लीजिए, पी से जो है इस एम पॉइंट को नाप दीजिए, नाप लिया प्रकार से नापिए ठीक है, प्रकार से नाप लिया, आई देखिए बिल्कुल बराबर नापा है। अब हम लोग जो है इसी नाप से जो नाप लिया है हम लोग ने, इसी नाप से हम लोग यम बिंदु पर एक वृत्त खींचेंगे, यम बिंदु पर क्या करेंगे एक वृत्त खींच देंगे। तो यम बिंदु पे एक वृत्त खींचिए, यम बिंदु पे एक वृत्त खींचिए ठीक है, यम बिंदु पे एक वृत्त खींचिए बहुत सही से, फंडा को समझिए कि हम लोग को करना क्या है ठीक है। यम बिंदु से भाई अर्धक करके त्रिज्या मिल जाएगा, त्रिज्या से एक वृत्त की रचना खींच देना है ठीक है, वृत्त खींचा गया ये ठीक है भाई, इसको इसको नाप के एक त्रिज्या मिल गया और इस पे हमने जो है रख के एक वृत्त खींच लिया। यही वृत्तवा जो है देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पहले 4 सेंटीमीटर का वृत्त था और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट कट किया है, और यहाँ पे देखिए यही जो है नया वाला जो वृत्तवा है इस पे कट किया है ठीक है। तो यही जो है हमारा जो स्पर्श रेखा के लिए बिंदु होगा ठीक है ना, स्पर्श रेखा के लिए यही बिंदु होगा। तो इसको जो हम लोग किससे खींच दें, इससे खींच देते हैं ठीक है, ये जो है हमारा स्पर्श रेखा के लिए तैयार बिंदु है ठीक है, यही जो है हमारा स्पर्श रेखा के लिए बिंदु होगा ठीक है। यही जो है स्पर्श रेखा बिल्कुल सट के जाएगा, थोड़ा सा स्केल जो है दिख नहीं पा रहा उधर से ठीक है, और ऐसे देखिए ये हिल जा रहा है, यही जो है हमारा यहाँ पे ये जो है हमारा इसका नाम दे दीजिए, ये T1 दे दीजिए, इसको T2 दे दीजिए, ये यहाँ पे स्पर्श करेगा, थोड़ा सा हमारा स्पर्श नहीं किया है, ये जो है उधर से दिख नहीं रहा है वीडियो ठीक है, ऐसे जो है मन स्पर्श करना चाहिए ठीक है ना, ये बिंदुओं से स्पर्श होते हुए रेखा जाना चाहिए ठीक है। तो ऐसे होगा ठीक है, कई बार लाइन मत खींचिएगा, यही होगा, ये जो है T2 हो जाएगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा T2 ठीक है। बस यही आपका जो है यहाँ से ये जो हो ये वाला यहाँ तक इसी बिंदु से जो है इसकी माप ले लेंगे हम लोग, तो इसी बिंदु से T1 से जो है हम लोग माप ले लेंगे P तक। तो देखिए T1 से माप जो है P तक ले रहे हैं तो 4 साढ़े 4 आ रहा है ठीक है ना, 4.5 T1 से P तक का नाप लेंगे, ये 4.5 होगा, कह रहा है कि मापिए, तो मापने पर जो है लिख देंगे 4.5 आ गया ठीक है। अब इसको जो है कैसे रचना किया गया है तो ये भी हम लोग लिख देंगे, तो चलिए इसको जो है लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे हैं ठीक है, पहला कंडीशन ये है, ये 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, सबसे पहले 4 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, 4 सेमी का एक वृत्त खींचा गया है, एक वृत्त खींचा, सबसे पहले हमने एक वृत्त का रचना किया है 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद दूसरा नंबर, इसके बाद इसी के केंद्र पर 6 सेमी का एक वृत्त खींचा, वृत्त
बनाया, चाहे कि बनाया 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 एक वृत्त बनाया, ठीक है। इस पे जो है 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना दिया। अब हमने जो है वृत्त 6 सेंटीमीटर के वृत्त पर, अब हमने जो है 6 सेंटीमीटर के वृत्त पर तीसरा नंबर, अब 6 सेंटीमीटर के वृत्त पर बिंदु P लिया है, बिंदु P लिया और क्या किया, और हमने क्या किया, और हमने जो है बिंदु P लिया और संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त के केंद्र O से P को मिलाया, P को मिलाया मिलाया, ठीक, यही किया है, मिला दिया है O से जो है P को मिला दिया है। अब OP का लंबार्धक किया, अब OP का लंबार्धक किया है, लंबार्धक का ऐसे ही किया गया है, एक चाप इधर से रखा गया है, दिख रहा है ना भाई, लंबार्धक कैसे किए थे, पी पे जो है प्रकार रख के, आधा से अधिक का दूरी लेके पी पे प्रकार रख के ऐसे चाप लगाया, ऐसे चाप लगाया, फिर उसी दूरी से इधर से चाप कर दिया, इधर से चाप कर दिया, दोनों को जो है दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल रख के ऐसे जो है रेखा खींच दिया, यहाँ पे यम पॉइंट, यही लंबार्धक हो गया। अब यम पॉइंट जो मिला है यहाँ को, यहाँ से और इसको जो है त्रिज्या ले लिया गया है, यम से जो है पी त्रिज्या लिया गया है, ठीक है ना। तो OP का लंबार्धक किया, अब लंबार्धक किया जिससे यम बिंदु प्राप्त हुआ, बिंदु प्राप्त हुआ, अब यम बिंदु प्राप्त हुआ, यम पी की दूरी लेकर, यम पी को माप कर, और इसके बाद यम पी को त्रिज्या लेकर यम बिंदु से एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, जो यह वृत्त जो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या को जो है कहाँ, यह वृत्त T1 तथा T2 पर काटती है, अब T1 P को मिलाया, अब T1 P को मिलाया मिलाया और T2 P को मिलाया को मिलाया मिला दिया मिलाया, जहाँ मापने पर T1 P बराबर 4.5 और T2 P बराबर भी 4.5 प्राप्त किया, बस किया। यह जो है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे जो है हम लोगों को बना लेना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इसको जो है आप लोग समझ गए होंगे, और सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।